निकाय उप निदेशक अनुपमा टेलर शुक्रवार को वार्षिक दौरे के तहत भीलवाड़ा पहुंची। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया और कोरोना महामारी के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से सांगरेली गेट क्षेत्र में 20 अगस्त से शुरू की इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टेलर ने नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी को इंदिरा रसोई में बनाए जाने वाले खानों की पौष्टिकता पर पूरा ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने रसोई में खाना बनाने व खाने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की पूर्ण रूप से पालना के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने परिषद आयुक्त को समय समय पर इंदिरा रसोई में बनने वाले भोजन की जाँच करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद में अधिकारियों की बैठक लेने के साथ ही परिषद के आश्रय स्थल कम्पोस्ट प्लांट सांगानेर कौशल प्रशिक्षण केंद्र का भी निरीक्षण किया और बस स्टैंड पर मास्क का भी वितरण किया। इस दौरान परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी अभियंता सूर्य प्रकाश संचेती आदि भी मौजूद रहे। आज भीलवाड़ा नगर परिषद का निरीक्षण प्रोग्राम रखा था तो सबसे पहले हमने भीलवाड़ा के वार्ड वाइज ही जितने भी विकास कार्य थे उसमें कम्युनिटी टॉयलेट्स देखे, पब्लिक टॉयलेट देखे। उसके साथ ही जो NGT के आदेशों के अकॉर्डिंग हम लोगों को MRF और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित जो भी काम करने थे उन सभी विकास कार्यों को भी जांचा गया। साथ ही रोड्स के भी काम चल रहे हैं यहाँ पर, वो भी हमने देखी। रसोई और रैन बसेरा इनको भी देखा गया और उसके बाद में विभागीय अधिकारियों की और कर्मचारियों की बैठक ली और बैठक में समस्त कर्मचारियों से इंट्रोडक्शन के साथ साथ वो क्या काम कर रहे हैं और उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी वर्तमान में उन सभी को भी सुना गया। नगर पालिका से रिलेटेड कुछ इश्यूज आए हैं, एक तो कि एनक्रोचमेंट काफ़ी है तो इस संबंध में मैंने हमारी जो मैडम है दुर्गा जी उनको कह दिया है कि अगर ऐसी स्थिति में वापस अगर 3 नोटिसेस को भी काफ़ी टाइम हो गया है तो नियमानुसार एक नोटिस अंतिम और निकाल दें और उसके बाद में जो भी नियमानुसार हमारी कार्यवाही है और अगर सीजिंग के ऑर्डर भी हो चुके हैं उसको भी एक बार देखिए और अगर ऐसे अतिक्रमण है तो उस पर कार्यवाही करनी है। कार्यवाही के लिए संज्ञान में अभी मेरे संज्ञान में आए कि 3 अतिक्रमण पे सीजिंग्स के ऑर्डर हो चुके हैं लेकिन कंप्लाइंस नहीं हुई।